ये पीड़ा मेरे राज्य में भी है। 2001 के सेंसस को जब मैंने 2004 में पाया और देखा, रोंगटे खड़े हो गए। रोए तो किसके सामने रोए, कहे तो किसको कहे। ये दर्द, ये पीड़ा इक्कीसवीं सदी में हमें सर उठाने की ताकत देती है, और तब जाकर के हमें आधुनिक हिंदुस्तान बनाना है तो उसकी पहली शर्त है हमारी मातृशक्ति का गौरव, मां बहनों की इज्जत, डिग्निटी ऑफ द वीमेन। समाज जीवन में स्थितियों को बदला पड़ेगा तो एक तरफ हम जो बुराइयों में फंसे हैं उसको बड़ी कठोरता के साथ, उससे मुक्ति के लिए हम सबको प्रयास करना होगा, व्यक्ति के नाते, परिवार के नाते, समाज के नाते, सरकार के नाते, हम सबको करना पड़ेगा। बेटे और बेटी के बीच भेद का समय, वक्त पूरा हो चुका है। और मैंने ऐसे परिवार देखे हैं, सुख हो, वैभव हो, सब कुछ हो, चार चार बेटे हो, लेकिन मां बाप को रहने के लिए जगह न हो, ऐसे मैंने ऐसे परिवार देखे हैं। मां ने बेटे को इसलिए बड़ा किया था कि बेटा बुढ़ापे में काम आएगा, लेकिन मैंने ऐसी माताएं देखी, ऐसी बेटियां देखी हैं जिन बेटियों ने बुढ़ापे में मां बाप को कमी महसूस न हो इसलिए शादी करने से इनकार कर दिया। मां बाप की अकेली बेटी होने के नाते जिंदगी मां बाप को समर्पित की, और जीवन भर कोई बेटा काम करे उससे ज्यादा अच्छा बेटी ने मां बाप का शान शौकत बढ़ाने का काम किया। क्या समाज के नाते उस शक्ति को हम नहीं पहचानेंगे? आज जीवन का कोई भी क्षेत्र देखिए, जहां भी लड़कियों को अवसर मिला है, बहनों को अवसर मिला है, वो पुरुषों से दो कदम आगे निकल गई है। इस धरातल की सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा, और एक समाज के नाते, परिवार की व्यवस्था के नाते, हम सबसे पहले इस काम की ओर आगे बढ़ना होगा। और तभी जाकर के स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। आज मैं कई प्रदेश देख रहा हूं जहां लड़कों को शादी के लिए कठिनाई हो रही है, लड़कियों की तादाद कम होती जा रही है, समाज इंबैलेंस हो रहा है, संसार चक्र एक तरफ लुढ़क रहा है।